हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 ऑफ क्लास 7th, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, देखो आज अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने चैप्टर 10 खत्म किया था विच इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, राइट। देखो सबसे पहले अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमने देखो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ रखा है, एरिया हमें पता है क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में जो पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे वो अपन स्क्वायर रेक्टेंगल्स का पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स का पढ़ेंगे एंड रेक्टेंगल्स का पढ़ेंगे, सॉरी ट्राइंगल्स का पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो पहले अपन बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर एक स्क्वायर हमें पता है जिसकी साइड हमें पता है तो पेरीमीटर होता है 4 into साइड। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है 2 into L+B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। अगला है एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का एरिया मेरे को निकालना है तो एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, कि साइड का स्क्वायर हम कर देंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L into B। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पढ़ रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर भी पढ़ रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमने पहले पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से ही करेंगे, थ्योरी तो अपन देख लिया, यही थ्योरी है उसमें और थ्योरी क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला क्वेश्चन है ना, लिखो अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन थ्री मीटर बाय 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ डायमेंशन 10 meter by 10 meter। ठीक है, फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग, फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल, इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल, इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 meter square ऑफ द वॉल इज 2.5 rupees, 1 meter square ऑफ द वॉल इज रुपीज 2.50। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखेंगे ना, ये हमारे पास डोर है, ये हमारे पास एक वॉल है 10 by 10 meter का, इसमें क्या हो रहा है एक डोर लगा हुआ है, ठीक है 3 by 2 का। ठीक है, तो इस को हमने क्या करना है, पेंट करना है, तो उसका कॉस्ट पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं जिस पे हमें पेंट करना है वो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर पे तो पेंट करना नहीं है, वॉल पे पेंट करना है। तो पहले बात करते हैं एरिया ऑफ डोर की, तो एरिया ऑफ डोर कितना होगा 10 meter into 10 meter, तो ये हो गया 100 meter square। ठीक है, अब एरिया ऑफ
डोर नहीं, ये वॉल था ना, दिस इज वॉल, एरिया ऑफ डोर कितना होगा 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ वॉल हैज टू बी पेंटेड, तो अगला क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल हैज टू बी पेंटेड, जिसको अपने को पेंट करना है। तो इस पूरे के एरिया में से 100 में से अपने को क्या करना है, 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100 माइनस 6 विच इज 94 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट निकालनी है हमें, रेट पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो रेट है वो 2.5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी, 94 मल्टीप्लाइड बाय 2.50। तो बेसिकली करना क्या है, 94 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 20 45 47 8 18, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 7 और 5 15, एक एलसीएम 12 और एक 13, ये आ जाएगा हमारे पास 2350.0। तो आंसर कितना आ गया, ₹235, इतना कॉस्ट हो गया पेंटिंग का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पेंटिंग का कॉस्ट, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल शीट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ द शीट, इज 25 सेंटीमीटर, वॉट इज विड्थ एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पहले तो ये पूछ रहा है कि भाई उसकी विड्थ क्या होगी, उसके बाद इसने क्या पूछा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया हमें दिया हुआ है जो कि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया हमें दिया हुआ है 500 इज इक्वल टू लेंथ है 25 इंटू बी, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 20, तो विड्थ कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। विड्थ हमारे पास क्या आ चुका है, 20 मीटर आ चुका है। अब विड्थ हमारे पास आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एल प्लस बी के कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इसका विड्थ निकाल लेंगे, सॉरी पेरीमीटर निकाल लेंगे। 2 इंटू लेंथ कितना है, 25 प्लस 20, 2 इंटू 45 आंसर इज 90 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका पेरीमीटर आ चुका है, कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रीबेंट into a rectangle
ऑफ लेंथ इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड एरिया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक वायर है जो कि किस शेप का है, जो कि शेप क्या है उसका, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप का एक वायर है। ठीक है, इसका 10 सेंटीमीटर है। अब उस वायर से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ निकालनी है। तो वायर से हमने क्या किया है, रेक्टेंगल बनाया, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर जो है उसी पे लेंथ आ रहा वायर का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। तो लेंथ ऑफ वायर क्या है, अगर मैं लेंथ ऑफ वायर में निकालूं तो वो क्या होगा, 4 × 10 विच इज 40 सेंटीमीटर। अब इसी लेंथ ऑफ वायर का यूज करके मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल बनाया है। तो जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा। तो नाउ अपन क्या बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा भी होगा। लेंथ का वायर का जो लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर भी होगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो ये कितना हमारे पास, 40 इज इक्वल टू 2 × L + B, तो 20, 2 से डिवाइड हो गया, 20 इज इक्वल टू एल प्लस बी, एल का वैल्यू हमें 12 दिया हुआ है ना, तो 12 + B इज इक्वल टू 20, तो जो ब्रेथ आ गया वो आ गया 8 सेंटीमीटर। तो जो ब्रेथ आया हमारे पास, ब्रेथ क्या आ गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ आने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया निकालो रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया किसका, रेक्टेंगल का। अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो 100 आएगा, तो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है बल्कि लेंथ ऑफ वायर सेम है, तो जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया ज़्यादा होगा बकाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ देखो, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया के बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो दोनों का ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, क्योंकि दोनों का एरिया है तो दो का दोगुना कर दिया, वो हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रहा है। सो एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल कितना होगा, 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये होगा, देखो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, 8 × 5, तो 40/2 आंसर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज
नेक्स्ट इज जर्नलाइजिंग फॉर द फर्दर कंग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल. जर्नलाइजिंग फॉर अदर कंग्रुएंट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो हमें ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी और डी. ठीक है, अब मैंने क्या किया, बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे इसके दो पार्ट किए. ये अगर टू है, ये फोर है, तो ये फोर है, ये टू है, और ये फोर है और ये भी फोर है. ठीक है, तो हर एक पार्ट का एरिया बराबर होगा. सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ईच पार्ट, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ईच पार्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन टू. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो ये सिक्स है, ये फोर है, तो सिक्स इंटू फोर बाई फोर, सॉरी टू, आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, तो कभी भी कुछ भी अगर नहीं दिया हो, ना सेंटीमीटर ना कुछ दिया हो, तो अपन क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं. ठीक है, तो कर लेंगे. ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं. तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.